जय हिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में राष्ट्र हित में शिक्षा दिस धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड दोस्तों आज से हिंदी का आगाज हो चुका है यानी हिंदी की प्रथम वीडियो आप सभी के सामने जो 90 प्रतिशत सिलेबस को कवर करेगी यानी परीक्षा में 90 परसेंट सवाल यहीं से हिंदी वर्णमाला से पूछे जाते हैं जो काफी बच्चे नजरअंदाज करते हैं तो एक आपकी हिंदी की रीड है दोस्तों ये यानी यह रीड चैप्टर कहा जाता है इसलिए बहुत सिद्धत के साथ पढ़ना हम इस वीडियो को यही कहते हुए स्टार्ट करते हैं कि जिस बच्चे को जिस बहन जिस भाई को सिलेक्शन लेना है वो कंसंट्रेशन के साथ वो सिद्धत के साथ इस चैप्टर को पढ़िए ए टू जेड हम अध्ययन करेंगे हिंदी वर्णमाला का तो चलिए एक हेडिंग डालिएगा एक पेन उठाइएगा एक नोट्स पर मेंटेन करिएगा और एक स्वर्णिम कलम से अपने स्वर्णिम भविष्य को लिख डालिएगा यहां पर जो हेडिंग पड़ेगी वो हिंदी वर्णमाला पड़ेगी हर स्लाइड से एक एक नंबर यही कोशिश रहेगी कि एक एक नंबर वहां से निकाला जाए तो देखिएगा सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी बेटा हिंदी वर्णमाला आप सभी को बहुत अच्छा ज्ञान है प्रीवियस ईयर पेपर जब उठाते होंगे तो आपने सॉल्व करे होंगे क्वेश्चन तो उसमें एक पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये बताइए वर्णमाला किसे कहा जाता है या व्यवस्थित समूह को यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं तो समझिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं यानी हिंदी अल्फावेट कहते हैं यानी जिस तरीके से एक माला में व्यवस्थित तरीके से मोतियों को पिरोया जाता है तो वही एक माला बनकर तैयार होती है उसे माला नाम दिया जाता है ऐसे ही वर्णमाला में वर्णों को व्यवस्थित क्रम से यहां पर अगर हम पिरोते हैं तो वो क्या कहलाती है हिंदी अल्फावेट यानी वर्णमाला कहलाती है बोलो डाउट नो no डाउट कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब दो क्वेश्चन नहीं बल्कि तीन क्वेश्चन यहां पर बनते हैं कि हिंदी वर्णमाला में बेटा कितने वर्ण होते हैं तो हर बहन हर भाई सिद्धत के साथ देखिए हिंदी वर्णमाला में बावन वर्ड होते हैं और बावन वर्ड की बात अगर करी जाए तो यह दोस्तों देवनागरी लिपि की बात कर रहा है ध्यान दीजिए एक और नोट बनाइएगा नीचे फटाफट कि हिंदी भाषा किस लिपि का यहां पर अध्ययन करता है तो किस लिपि में लिखी जाती है देवनागरी लिपि में जबकि पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और वही लिपि की बात कर रहा है जो बावन वर्ड होते हैं ये देवनागरी से संबंधित हैं और यहां पर अगर हम दो पार्टों में डिवाइड करें कि भाई अगर वर्णमाला दो पार्ट में डिवाइड होगी एक जाएगा स्वर और एक जाएगा व्यंजन स्वर कितने हैं यह क्वेश्चन बहुत बार आता है और यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा या तो स्वर पूछेगा या व्यंजन पूछेगा या टोटल वर्ड पूछेगा हिंदी अल्फाबेट में तो स्वर होते हैं ग्यारह और व्यंजन होते हैं तैतीस यानी तीन गुना चलिए अगला स्लाइड देखिए जहां से दो क्वेश्चन फिर से बनेंगे दो में से एक क्वेश्चन हम तो यह कहते हैं कि इसी स्लाइड से आने की कोशिश रहेगी देखिए क्या कहता है वर्ण क्या है या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है या लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है या फिर उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है तो ये तीन क्वेश्चन बनते हैं नोट किया जाए फटाफट देखिएगा वर्ण क्या है दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है पहली बात ध्यान से देखिएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है अगर आप क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है और ऑप्शन में ध्वनि दिया है तो ध्वनि मारिए और अगर नहीं दिया है तो फिर वर्ण मारिए अगर दोनों दिया है तो फिर आप क्या मारेंगे तो अब भी आप ध्वनि मारेंगे यह बात लिख लीजिएगा और याद ये रहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो नॉर्मल सी छोटी इकाई होती है वो ध्वनि क्योंकि ध्वनि से ही वर्णों का निर्माण होता है यह नोट किया जाए एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि दो चीजें यहां पर फिर देखने को मिलती हैं कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई यह है ध्वनि उच्चारण की दृष्टि से जब क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदल के पूछा जाए कि यह बताओ कि उच्चारण की दृष्टि से तब दोस्तों उसमें ध्वनि और वर्ण दोनों हो तब ध्वनि मारिएगा और जब लेखन की दृष्टि से पूछा जाए और ध्वनि वर्ण द्वन दोनों ऑप्शन में हो तो दोस्तों ध्वनि मत मार देना तब वर्ण ही लगेगा आंसर लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है बोलो एनी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरा ए टू जेड अध्ययन आपको होना चाहिए अब देखो अभी तक आप बहुत कंफ्यूज रहते थे कि वर्ण क्या है वर्ण है छोटी इकाई या ध्वनि है तो अब क्लियर हो गया कि उच्चारण और लेखन दोनों में आपने डिफाइन कर लिया तो मैं कहता हूं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए और यही सोचकर नीचे प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है सारी हिंदी आपको मिल जाएगी बहुत शिद्दत के साथ रोजाना सुबह ग्यारह बजे और रात्रि आठ बजे देश का नंबर वन हिंदी का टेस्ट रोजाना चलता है उसमें जरूर शिरकत करो ये डिटेल देखो रात के आठ बजे हिंदी का टेस्ट लगाओ और मैं यकीन दिलाता हूं पूरे में पूरे नंबर हिंदी में ना आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा चलिए हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी अल्फावेट को दो भागों में बांटा गया है पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन स्वर की संख्या है ग्यारह जो ऑलरेडी बताई है व्यंजन की संख्या है तैतीस बोलो और कोई डिफाइन करने की आवश्यकता बोले सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब यहां पर हमने कहा कि अगर वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है तो वो दो भाग हैं कौन से वो दो भाग हैं दोस्तों स्वर हैं और व्यंजन हैं हमने ऑलरेडी कहा स्वर की संख्या ग्यारह व्यंजन की संख्या तैतीस और टोटल वर्ड ऑफ बावन यानी ये बावन वर्ड हैं अब बात आती है बच्चों के जहन में कि सर अगर स्वर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए व्यंजन अच्छे से पढ़ लिए देखो आपको मुझे पता है बहुत कुछ आता होगा अब आप कहोगे कि हृष्यो आता है दीर्घ आता है मैं आपसे एक चीज पूछता हूं बताइए अर्धविव्रत आता है आपको विव्रत आता है आपको मुझे पता है कि आपको आता है लेकिन उसका डिटेल बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं विव्रत अर्धविव्रत समृत अर्ध समृत स्पर्श व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन प्रकंपित व्यंजन है ना ये सभी जितने भी स्पर्श संघर्षी व्यंजन में कौन सा आता है लुंठित व्यंजन कौन सा होता है ये सब कुछ ए टू जेड अध्ययन पढ़ लो कभी भी अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित नहीं होगा क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है नोट कीजिएगा वर्ण जो जो है दो क्रम में बटा है एक स्वर में और एक व्यंजन में स्वर दोस्तों तीन पार्टों में बटा है एक ह्रस्व स्वर होता है एक दीर्घ स्वर होता है एक प्लुत स्वर होता है व्यंजन भी कहीं ना कहीं बहुत सारे पार्टों में बटा है लेकिन उसमें तीन मुख्यता माने जाते हैं एक स्पर्श व्यंजन जहां से आपके सत्तर आते हैं एक आपका अंतस्थ व्यंजन एक दो नंबर का क्वेश्चन आता है एक आपका ऊष्म व्यंजन एक दो नंबर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले स्वर को पढ़ते हैं फिर व्यंजन को पढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन पहला यहीं से एक स्लाइड में यह पूछ लेता है कि यह बताओ कि स्वर किसे कहते हैं या ये बताओ कि ऐसे वर्ण जो उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेते हो उसे क्या कहा जाता है तो नोट करो दोस्तों जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं यानी स्वर दोस्तों कैसे होते हैं स्वतंत्र होते हैं ये चीज़ आपको याद रखनी है स्वतंत्र का मतलब बिल्कुल फ्री होते हैं जो किसी अन्य की सहायता नहीं लेते हैं यानी जो सहायता ना लें वही स्वतंत्र हैं वही स्वर हैं अब हमने कहा ग्यारह होते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह आपने देखा सर कौन कौन से स्वर हैं ये मैंने स्लाइड में आपको बता दिया संख्या ग्यारह होती है व्यंजन तैतीस होते हैं ये ऑलरेडी बताया अब बात ही आ जाती है कि स्वर के भेद आपने जो देखे हैं कि एक हृष्य स्वर होता है एक दीर्घ स्वर होता है बहुत आसान है एक प्लुत स्वर होता है क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देगा कि ये बताओ कि कौन सा स्वर है आ जो बड़ा आ है कौन सा स्वर है या आपसे कह देगा कि ये ई जो है छोटी ई है ये कौन सा स्वर है तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे है ना तो वहां पर दिक्कत करेगा इसलिए यह ज्ञान लेना आवश्यक है समझिए पहली हेडिंग पड़ेगी हिस्स स्वर की देखो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व सर कहते हैं ह्रस्व का मतलब होता है छोटा जिनको उच्चारित करने में बहुत कम समय बहुत कम दम की आवश्यकता हो जैसे आप अल्प प्राण पढ़ते हो मैं पढ़ाऊंगा आगे फिलहाल ध्यान दीजिएगा ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा जहाँ पर ज्यादा दम लगाओ ह्रस्व में क्या होता है बहुत कम समय लगे और दीर्घ में बहुत ज्यादा समय लगे अब आप देखिए जितने भी कम दम और कम समय लगते हैं जैसे आप चार की बात करते हो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अरे सो कितने होते हैं तो चार होते हैं छोटा आ आपको गे आगे ई आपको गे आप उ आपको गए री है ना कम समय लग रहा है बहुत कम दम लग रही बहुत कम आवाज़ निकल रही है आ ई उ री है ना यही है दोस्तों पढ़ने की ट्रिक हमेशा मुंह को खोलते रहो और आंसर को एग्जाम हॉल में टिक करते रहो जहां कम समय लगे वहां स्वर आता है क्वेश्चन नंबर दो ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के चार प्रकार के क्वेश्चन नंबर तीन कौन कौन से आ ई उ री ठीक है क्लियर चलिए दीर्घ स्वर डालिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दो गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा गया तीनों स्लाइड ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर ध्यान दीजिएगा इन तीनों स्लाइड को एग्जाम में पूछा गया है कैसे उनकी परिभाषा देकर यह भी पूछा गया है ये तो बहुत बार पूछा गया है कि जि ऐसे कौन से स्वर हैं जिनको उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है तो उनका आंसर होगा दीर्घ स्वर होता है बेटा दीर्घ स्वर का मतलब है कि दीर्घ माने बड़ा ज्यादा समय लगे ज्यादा दम लगे संख्या कितनी है दीर्घ स्वर की संख्या है सात बोले कौन से वहाँ आ था वहाँ आ हो जाएगा वहाँ ई थी यहाँ ई हो जाएगी वहाँ ऊ था यहाँ ऊ हो जाएगा है ना और ए ओ आओ, ये बढ़ और जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात तो दीर्घ स्वर सात होते हैं और हृस्व स्वर चार होते हैं यह बात दिमाग में फीड हो जानी चाहिए आप सभी के तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना कि ऐसे स्वर बताइए हिंदी में ऐसे स्वर बताइए जिनको उच्चारित करने में सबसे ज़्यादा समय लगता हो या दूसरी तरीके से पूछता है जिनको उच्चारित करने में हृस्व स्वर से तीन गुना अधिक समय लगता है या तीसरी तरीके से पूछता है जिनको उच्चारित करने में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है मतलब सबसे ज़्यादा समय प्लुत स्वर में लगता है समझिएगा उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं याद रखना है कि जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक तीन लिखा जाता है जैसे जैसे ओम ये देखिए ओम जब आप लिखते हो तो ओम ऐसे लिखते हो है ना ओम को ऐसे भी तीन लिख दिया जाता है क्यों उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा जैसे आप पूजा करते हो कहते हो कि ओम है ना तो बहुत देर जब तक सांस निकलेगी अगर किसी को बुलाते हो जैसे जैसे अगर बहुत दूर कोई है खेत में अगर पिताजी है अगर कहीं आपको डिस्टेंस 500 मीटर पे अगर बहुत ज्यादा दूर कोई खड़ा है उसको बुलाना है तो कैसे बुलाते हो बताओ कैसे बुलाते हो कहते हो ओ भैया है ना इस तरीके से हम बहुत तेज आवाज जब तक हमारा सांस है अंदर तब तक हम बुलाते हैं तो मतलब समय पुलतुस्वर लेता है ज्यादा बोलो यस या नो तो हम कहेंगे बिल्कुल लेता है क्लियर है लेता है चलेंगे आगे आगे चलने से पहले व्यंजन को पढ़ने से पहले जो चार नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं ये तुरंत नोट किए जाए क्या चार नंबर के क्वेश्चन नोट करिए जाएं यहां पर एक चार्ट बनाओ और लिखो स्वरों का उच्चारण स्थान अभी तक आपने देखा होगा व्यंजन के उच्चारण स्थान होते हैं लेकिन आपको मैं बताऊंगा कोई नहीं बताएगा कि स्वरों के भी उच्चारण स्थान होते हैं जैसे अ आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ आप बोल के देखो जब भी परीक्षा में क्वेश्चन आए तो वहां पे बोल के देखो बार बार अ आ आ, आ आ आ बोलो फटाफट तो आप कहोगे आवाज आ कहां से रही आप बोलो आ आ है ना इस तरीके से अगर आप जब बोलोगे तो ये गले से आवाज आपका जो डब्बा है ना गले वाला यहीं से कहीं ना कहीं आवाज आ रही तो ये कंठ हो जाएगा दोस्तों क्योंकि गले से आवाज निकल रही है वो कंठ की बात कर रहा है आप ई बोलोगे ई तो आपकी लग रही होगी जैसे जीव जो है ना वो दब रही होगी जीभ पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है तालू पर प्रेशर पड़ रहा है देखो आप ई है ना ई जब बोलोगे तो आपका गले के ऊपर भाग का जो हिस्सा है वो तालु है इसलिए आ कंठ है और ई तालु है

अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों को नोट किया जाए ए ए कंठ तालु क्योंकि ए ए कंठ भी है तालु है तो इसलिए कंठ तालु एक साथ में ओ कंठ्योष्ट या कंठ ओष्ठ है ना क्योंकि ओ कंठ से आवाज आ रही है और ओ ओष्ट क्यों क्योंकि ओ जब बोलते हो तो आपके ओष्ट भी यानी आपके ओंठ गोलाकार हो जाते हैं इसलिए इसको कंठ्योष्ट कहा जाता है चलिए अब बात करते हैं बच्चा व्यंजन क्या होते हैं व्यंजन दोस्तों ध्यान दीजिएगा जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं मैं पूरी परिभाषा पढ़ाता हूँ क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों पहला क्वेश्चन जो स्वतंत्र बोले जाते हैं वो क्या बोले स्वर सर जो स्वतंत्र नहीं बल्कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं बोलो क्या सर व्यंजन होते हैं हिंदी में व्यंजन की संख्या थर्टी थ्री मानी जाती है इसके अलावा चार संयुक्त व्यंजन भी होते हैं चार संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञा और श्रा होते हैं जो आगे पढ़ाऊंगा लिखने की आवश्यकता नहीं केवल अभी इतना ही लिखो अतः हिंदी में कुल उनतालीस व्यंजन होते हैं लेकिन अब दिमाग में आता होगा कि सर ये मारे या ये मारे तो क्वेश्चन हमेशा यही लेकर आएगा व्यंजन तैतीस होते हैं व्यंजन तैतीस रहेंगे तैतीस आपको लॉक करना है बहुत एक जीरो दशमलव जीरो एक परसेंट अगर क्वेश्चन में आ जाए कि उसमें तेंतीस ऑप्शन ना हो तब आप उनतालीस मारना सब कुछ हो तब भी आप तेंतीस मारना क्योंकि तैतीस ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा चलिए मूल व्यंजन तैतीस है और कुल व्यंजन की बात करें जब कुछ ना हो जीरो दशमलव जीरो एक परसेंट की कंडीशन बता दी तब उनतालीस मारिए स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन उस व्यंजन से सत्तर परसेंट क्वेश्चन आते हैं ध्यान दीजिएगा उसके बाद लुंठित प्रकंपित और स्पर्श संघर्षी ये भी पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है व्यंजन के भेद तीन होते हैं एक मुख्यता स्पर्श व्यंजन एक अंतस्थ व्यंजन एक व्यंजन चलिए पहली हेडिंग पड़ेगी स्पर्श व्यंजन देखो बेटा स्पर्श व्यंजन यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ तालु मूर्धा दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है जब भी यार देखो हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो ओठों का इस्तेमाल होगा दांत का होगा कंठ का होगा तालु का होगा मूर्धा का होगा तो जब ये होगा तो उस समय हवा भी निकलेगी और वो स्पर्श करेगी जब स्पर्श करेगी तो उसे ही हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन और अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है स्पर्श व्यंजन की संख्या बेटा 25 होती है काशे मा तक ये तो आपको याद करना पड़ेगा काशे मा तक याद कराने की मैं ट्रिक भी बता दूंगा 25 होती है और 25 जो होती है वो हर वर्ग देखिए हर वर्ग की बात करें तो एक दो तीन चार पाँच पांच पांच, पांच, पांच लाइनें होती हैं तो पांच, पांच पांच सदस्य सभी में होते हैं पांच लाइनें पांच, पांच पांच सदस्य होंगे तो बताओ कितने हो गए पांच लाइनों में पांच पांच सदस्य एक एक लाइन में पांच पांच होंगे तो पच्चीस हो जाएंगे अब चलिए देखते हैं तो यह वाली संख्या आपको याद रखनी है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है ट्वेंटी फाइव होती है चलिए देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं देखो क्वेश्चन में यह पूछा जाता है यहां से तीन से चार क्वेश्चन नहीं बल्कि सात से आठ क्वेश्चन बनते हैं पूरे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्ग कितने होते हैं तो आंसर आएगा पांच स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो आंसर आएगा पच्चीस क्यों होते हैं क्यों पच्चीस होते हैं देखो पहला वर्ग है का दूसरा वर्ग है चा तीसरा वर्ग है टा तीसरा वर्ग है ता चौथा और पांचवा वर्ग है क्या पा है अब इनके अलावा कोई छठा वर्ग नहीं होता है कोई छठा वर्ग नहीं होता है यही याद करना है कैसे याद करोगे कचट तप कैसे याद करोगे कचट तप ऐसे याद कर लो एक साथ में कचट तप कचट तप है ना तो कचट तप का मतलब है कि आपको पूरी तरीके से पांचों वर्ग याद हो गए और का वर्ग में पांच सदस्य आएंगे चा वर्ग में पांच सदस्य टा वर्ग में पांच सदस्य ता वर्ग में पांच सदस्य और पा वर्ग में पांच सदस्य फटाफट नोट करिए आता है तो भी नोट करिए फटाफट देखिए अब क्वेश्चन में क्या बनता है कह, दे, कह देगा कि एक क्वेश्चन दे देगा बताओ यहां पर कि यह बताओ कि ये जो आपका है ये इसका उच्चारण वर्ग क्या है कंफ्यूज हो गया बच्चा ये बताओ कि इसका उच्चारण वर्ग क्या है ये बताओ कि इसका उच्चारण वर्ग क्या है है ना बच्चा कंफ्यूज अब समझो इसी के लिए डिटेल पूरी पढ़नी होती है कि का वर्ग में का खा गा घा मतलब जो वर्ण आपके कंठ से बोले जाते हैं जो वर्ण, जो व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं वो कंठी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं जिनकी संख्या पांच होती है का खा गा घाया बोल के देखो का का ख्या ये क्या है ये दोस्तों ये गले से आ रहे हैं इसलिए इनका नाम कंठ पड़ा क्या कंठी स्पर्श व्यंजन अब दूसरा आता है थोड़े से गले से ऊपर बढ़िए, थोड़े से गले से ऊपर बढ़ोगे क्या बेटा पड़ेगा गले से जब ऊपर बढ़ोगे यहां से ऊपर बढ़े ग्रास नली के माध्यम से तो ये जगह जो बचती है ये वाली जगह यानी जीव के पीछे का हिस्सा यह दोस्तों तालु कहलाता है जीव का जो मध्य भाग से पीछे का हिस्सा यह तालु कहलाता है जब आप तालु की बात करेंगे तो यह चावर्ग चा, चा, जा, जा, ये कहलाते, ये कहलाते स्पर्श व्यंजन हो गए जरा जीव से थोड़े आगे बढ़िए ये दोस्तों मूर्धा कहलाता है और मूर्धा टा वर्ग होता है क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए बताओ कौन सा व्यंजन कौन से वर्ग का व्यंजन है ठा तो ये मूर्धन्य है ये मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या पांच होती है टा ठा डा ढाण थोड़ा सा और आगे बढ़िए यह दोस्तों दंत पे आ जाते हैं ये दंत जो दांत की सहायता से बोले जाए वो दंत यानी दंत स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं यानी ताथा दाधा ना हो जाएगा और थोड़े से और आगे आएंगे कंठ से हम कहाँ पर आ चुके हैं ऊट पर बिल्कुल आ चुके बिल्कुल ऊट पर और ये दोस्तों पा वर्ग यानी जिसका स्पर्श व्यंजन जिसको वायु होठों से स्पर्श करते हुए निकलती है होठों से टच करके जाती है वो ओष्ठ है वो क्या है वो ओष्ठ व्यंजन है जिनकी संख्या पांच होती है पावर्ग में पापा फा, फूफा कहोगे तो ओठ से कहोगे बाबा होठ से कहोगे भाभी ओठ से कहोगे मामा ओठ से कहोगे मतलब बिना ओठ के नहीं बोल सकते हो क्या बोल सकते हो बोलो नहीं बोल सकते हो ठीक है चलिए अब बात करता हूं अंतस्थ व्यंजन की क्या व्यंजन पढ़ता हूं क्वेश्चन यहां से बनता है जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है क्वेश्चन यहां से बना है नोट करो कि ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनको जिनको क्या कहा जाता है यानी ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो स्वर और व्यंजनों के मध्य उच्चारित होते हैं गाइज तो उन्हें क्या कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है नोट किया जाए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंतस्थ व्यंजन की संख्या चार होती है बोले कौन से या रा बहुत बार पूछा गया है या रा या रा ला वा कई बार पूछा जाएगा और या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है मैं फिलहाल बताऊंगा बहुत आगे इस वीडियो में अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है चार है कौन से हैं या रा व ऐसे स्वर ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण मध्य में होता है यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है उन्हें क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन संख्या चार इसी तरीके से उष्ण व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर एक गर्मी पैदा करती है एक ऊष्मा पैदा करती है एक हीट प्रोवाइड करती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है संख्या बेटा कितनी होती है चार होती है सा 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 हा ध्यान दीजिए उस व्यंजन कितने प्रकार के चार प्रकार के अंतस्थ कितने प्रकार के चार प्रकार के कौन कौन से सा 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 हा ऊष्म तस्थ बोलो सर ठीक बिल्कुल ठीक अयोग वह जान लेते हैं देखो अयोग वह क्या होता है ये भी जान लीजिए फटाफट फिर जान लेते हैं अयोग वह के बाद हम अयोग वह पूरा जानेंगे उसके बाद जो है हम क्या जानेंगे अनुनासिक जानेंगे उसके बाद संयुक्त व्यंजन पहले संयुक्त व्यंजन लिख लीजिएगा संयुक्त व्यंजन लिख लीजिएगा देखिए संयुक्त व्यंजन में क्या है कि दो अलग अलग व्यंजनों के योग संयुक्त का मतलब होता है दो अलग अलग यानी एक या एक से अधिक या दो या दो से अधिक तभी तो लोग संयुक्त का मतलब क्या होता है बोले संयुक्त सभा बहुत से लोग होंगे तो दो अलग अलग व्यंजन जब मिलेंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी है कुल संख्या चार है कौन कौन से छत्र आपको चार एग्जाम में क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे बोले सर कैसे मैं बताता हूं क्वेश्चन में क्या मिलेगा एक तो ऐसे पूछ लेगा कि कितने होते हैं या एक तो ऐसे पूछ लेगा ये छत्र क्या है ये छत्र है क्या तो ये संयुक्त व्यंजन ऑप्शन में मार देना तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि छा किसके योग से बनता है तो छा का प्लस सा से बनता है ध्यान रहे कि का प्लस सा वैसा ही मारना जिसमें का में हलंत लगा हो और त्रा दोस्तों वही मारना त्रा वही मारना जिसमें ता में हलंत लगा हो ता में हलंत हो ग्या वही मारना जिसमें जा में नीचे हलंत लगा हो हलंत का मतलब होता है दोस्तों वह वर्ड आधा हो जाता है स्रा दोस्तों वही मारना जिसमें आधा सा बना हो यानी हलंत लगा हो सा के नीचे तो यह दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला स्लाइड है बहुत ज़्यादा स्लाइड पूछा जाने वाला है इसको नोट किया जाए बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी चीज़ें पूछी जाएंगी तो उनको नोट किया जाए तो चलिए यहाँ पर देख लेता हूं यहां अयोग वाह क्या है अयोग वाह को देखता हूं योग वाह का जो अर्थ होता है यानी अयोग वाह का जो अर्थ है कि आ के योग से अयोग वह आ, आ के योग से जो अर्थ बहन करे वही अयोग वह है।, है किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं ध्यान दीजिए दूसरी परिभाषा किसी स्वर के योग से क्योंकि आ तो एक स्वर है किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वही अयोग वह है दोस्तों और मैं बताऊं जैसे अंगार प्रातः अंधेरा है ना ये क्या है ये अयोग वह है अयोग वह इस तरीके से देखे जाते हैं संख्या कितनी होती है बेटा दो की बात होती है अयोग वह के भेद कितने होते हैं ये भी जान लेते हैं अयोग वह अनुस्वार विसर्ग अनुनासिक में बटा होता है तीन में और जो तीनों में से कई बार एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं क्योंकि उनको अंग आह तक का ज्ञान होता है आगे तक का ज्ञान नहीं होता है तो समझिए अनुस्वार क्या होता है विसर्ग क्या होता है अनुनासिक क्या होता है अनुस्वार पहले पढ़िए कि अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है यानी चिन्ह जो है विंदु होता है अनुस्वार का चिन्ह केवल ऐसा बिंदु होता है जैसे हंस के ऊपर यह बिंदु लग गया अंश के ऊपर लग गया कंस के ऊपर लग गया है ना हंस अंश कंस, कुछ भी आप ऊपर अगर बिंदु लगा दो वो अनुस्वार है अनुस्वार का उच्चारण की कंडीशन है कि इसका उच्चारण नाक से किया जाता है ये भी आपको पता है चलिए विसर्ग देख लेते हैं विसर्ग में आपको याद रखना है कि विसर्ग तो विसर्ग की भांति होगा विसर्ग का चिन्ह ये वाला होता है जैसे प्रातः जैसे नमः जैसे अंतः जैसे अंतकरण ये एक साथ में अंतकरण है ना अंतकरण जैसे निशुल्क जब निशुल्क लिखते हो तो निशुल्क है ना इस तरीके से ये विसर्ग में आता है जैसे मनोहरथ है ना अनुनासिक में बेटा क्या होता है अनुनासिक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाता है अनुनासिक का चिन्ह कैसा होता है यहाँ पर बिंदु होता है मतलब यहाँ बिंदु कर लेना इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं जैसे आँख में ये चंद्रबिंदु लगा गांव में चंद्रबिंदु लगा सांप में चंद्रबिंदु लगा तो मुझे ये लगता है कि आपने ये सारी चंद्रबिंदु बिंदु और विसर्ग समझ लिया यही अयोगवा है बच्चे परेशान रहते हैं और बच्चों को लगता है कि अरे ये क्या आ गया एग्ज़ाम में ये तो बहुत आसान था और जब मिलाते आके हैं तो क्वेश्चन तो गलत निकलता है लेकिन उसकी डिटेल देखते हैं अरे ये गलत कर दिया ये कैसे गलत हो गया चलिए अब कुछ व्यंजन जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं जैसे जैसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पार्श्विक व्यंजन क्या है तो आप बच्चे कन्फ्यूज हो जाओगे पार्श्विक व्यंजन क्या है बेटा तो समझिएगा कि पार्श्विक व्यंजन एक ही है हिंदी में केवल एक है ला पार्श्विक व्यंजन है तो क्वेश्चन यहीं से बन गया याद कर लो रट्टा मार लो कैसे कि ला पार्श्विक व्यंजन है ला का उच्चारण करते समय हमारी सांस जीव के बगल पार्श्व से गुजरती है इसलिए इसका नाम पार्श्विक हो गया ला अब देखो ला जब आप बोलोगे तो आपकी जीव फोल्ड हो जाती क्योंकि जीव का नुकीला हिस्सा ऊपर लगता है ला 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 और ये फोल्ड हो जाती है और इधर जो बीच में जो हवा किनारे में बचती है वो पार्श्व से हवा निकल जाती है इसीलिए उसको क्या है जीव ऐसी हो जाती है और यहाँ से हवा निकल जाती है आगे से पीछे से है ना तो इसलिए ये पार्श्व कहलाता है ये पार्श्विक व्यंजन केवल ला होता है एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से दूसरा उत्क्षिप्त व्यंजन भैया बहुत पूछा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं समझने का कष्ट करें उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है उत्सिप्त व्यंजन होता है ये वाला डा और ये वाला ढा उत्क्षिप्त व्यंजन यानी इनकी संख्या दो होती है नोट करो इन वर्णों को द्विस्पृष्ट या ताड़न जात व्यंजन कहते हैं इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे तालु को छूते हुए एक झटके साथ के साथ नीचे की तरफ आती है तो आपको जैसे ढा बोलोगे ढा आप ढा बोलो ढक्कन 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 बोल के देखो एकदम से फट से नीचे आ गई ढक्कन ला बोलोगे तो धीरे से आएगी ढा 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 आगे वाला इससे एकदम से ठाए एक से, से होता है नीचे की तरफ देखो ठाए है ना बोलोगे तब भी और बोलोगे तब भी एकदम समझा आ रहा ना आप बोलो कस के है ना तो हम कहेंगे कि भाई उत्क्षिप्त व्यंजन ये हो जाएगा तो ये क्या है कि बहुत झटके के साथ जब जीव नीचे आती है तालु को छूते हुए वही उत्क्षिप्त व्यंजन है ये दो संख्या में होते हैं चलिए एक और हम बताते हैं आपको दंत्युष्ट व्यंजन बेटा क्या होता है दंत्युष्ट व्यंजन के साथ साथ अभी तो अभी मैं आपको एक दो तीन चार चार चीजें और बताऊंगा फिर इस वीडियो को समाप्त करूंगा है ना इस वीडियो को समाप्त करूंगा और लगभग तेरह से लगभग बारह से तेरह वीडियो में हम रस छंद अलंकार सब कुछ खत्म कर देंगे ये वर्णमाला आपकी हो जाएगी है ना वर्णमाला में आगे का जो क्रम है वो हम देखेंगे पहले देखो दंत्योष्ट व्यंजन दंत्योष्ठ व्यंजन में व यानी हिंदी वर्णमाला में वाह जो है ये दंत्योष्ठ अब वा आप देखो वा वाह बोल के देखो वा वाह 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 अब जब वाह बोलोगे तो इसमें देखो दांत भी लग रहा है दंत लग रहा है दंत वा वाह और ओठ भी लग रहा है ओष्ट भी लग रहा है है ना बोल के देखो बिल्कुल देखो मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूँ और जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराता हूँ वाह बोलो वाह 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 अब जब वाह बोलोगे तो दांत ओठ में टचोरा तो दांत ओठ में टचोरा तभी तो दंत्योष हुआ अरे भाई क्लियर हो गया यार एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका बहुत आसान है वर्णमाला को उसको बोलो बार बार बोलो है ना बिल्कुल पागल बन जाओ और आंसर सही करके आओ काकल काकल्य व्यंजन क्या होता है हिंदी वर्णमाला में वा को दंतोष्ट व्यंजन कहते हैं अभी सुना हिंदी वर्णमाला में ये 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 यहां से लिखिए काकल्य ये वाला अभी एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया कोई बात नहीं एक्स्ट्रा लिख गया है काकल्य व्यंजन से लिखिएगा तो काकल्य व्यंजन क्या है कि हिंदी वर्णमाला में हा को काकल्य कहते हैं अच्छा हा दोस्तों याद रहे कि ऊष्म व्यंजन भी है हा ऊष्म भी है और दंत्योष्ट के साथ वा अंतस्त भी है ये भी याद रखना है हिंदी वर्णमाला में हा को काकल्य व्यंजन कहा जाता है क्योंकि उसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है इसलिए कंठ से थोड़े नीचे भाग को काकल्य व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं इसलिए काकल्य व्यंजन बराबर हा और दंत्योष्ट बराबर वा और क्या उत्क्षिप्त बराबर ढा ढा और पार्श्विक बराबर ला ठीक है ये आपको याद रखना है इसके साथ इसके साथ जो हेडिंग पड़ेगी स्पर्श संघर्षी व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन बेटा क्या है ये जान लेते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या चार होती है हिंदी वर्णमाला में चा वर्ग के प्रथम चार चा छा चा, जा, जा और वहाँ तो पाँचवा हो जाता है इसलिए चार जो प्रथम होते हैं ये नहीं लिया जाता है तो प्रथम चार जो होते हैं यही स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श करते हैं और यहाँ पर संघर्ष करते हुए ये आगे निकल जाते हैं ऐसे याद कर लेना है छा छा जा छा स्पर्श जो वायु निकलती है संघर्षित वायु जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में आता है और ये है नासिक के व्यंजन अनासिक के व्यंजन आपसे क्या कह रहा है आपसे पूछना चाहता है कि हिंदी वर्णमाला में एक बार हेडिंग लिखिएगा हिंदी वर्णमाला में नासिक के व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो नाक के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं हिंदी वर्णमाला में वे व्यंजन नासिक के व्यंजन कहलाते हैं जो नाक के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं बोलो यस या नो इनकी संख्या पाँच होती है कौन से इंग्या व रा न म ये नासिक के कहलाते हैं ये अनुनासिक भी होते हैं ये पंचमाक्षर भी कहलाते हैं तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ को देखा अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रकंपित व्यंजन जिन व्यंजन ध्यान दीजिएगा नोट किया जाए फटाफट इनकी इसकी भी संख्या एक होती है क्वेश्चन में पूछ लेगा उस, उस, उसकी संख्या दे देगा कहेगा रा बताओ कौन सा है ला बताओ कौन सा है हा बताओ कौन सा है जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा में दो तीन बार कंपन होता है उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं प्रकंपित कंपन प्रकंपित दो से तीन बार प्रा प्रमाने कई बार है ना ध्यान दीजिएगा प्रकंपित व्यंजन की संख्या एक होती है रा को प्रकंपित व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कहा जाता है रा को प्रकंपित व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कहा जाता है तो हमने कहीं ना कहीं ये वर्णों की श्रृंखला में स्वर और व्यंजन को तो हमने बहुत एक्स्ट्रा में समझ लिया अब दोस्तों जब बात आएगी यहां पर स्वर वर्ण की तो ये बढ़ना पड़ेगा इसके लिए लिंक नीचे दी गई है और पूरी प्लेलिस्ट को सिद्धत के साथ पढ़ डालिएगा आज से आगाज़ हुआ था और पूरी मुझे लगता है कि आप ये वीडियो बाद में वॉच कर रहे हैं या कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट मिल गई होगी तो एक बार कंप्लीट प्लेलिस्ट को क्लिक कर लें सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सभी के माता पिता को जय हिंद वंदे मातरम करता है चैनल को सब्सक्राइब करें और पांच लोगों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि आपका पूरा सिलेबस निशुल्क फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वंदे मातरम